नमस्कार, हम लोग हैं आज जंतर मंतर पर और नक्षत्र लाल शैल गिल जी हमारे साथ हैं जो पंजाब से आए हुए हैं और वाल्मीकि समाज से हैं। वाल्मीकि आवाज़ को आज नेता अभिनेता सब वाल्मीकि समाज पे हो गए हैं, लेकिन फिर भी आज गटर का काम नहीं छोड़ रहा है वाल्मीकि समाज, वो बताएं। मैं श्रीमान जी बताना चाहता हूँ, क्योंकि हमें जो अधिकार हैं वो दिए नहीं जा रहे हैं, तो अपना हम लोगों को वहीं छोड़ रखा है जो आरक्षण में काटाती की जा रही है लगातार। और इसके बाद में मैं और बात बताना चाहता हूं, जैसे आपने बोला कि आरक्षण अपना गटर का काम क्यों नहीं छोड़ा जा रहा, तो हमें आज तक हमारी जो भूमि बनती है वो मिली नहीं जी। जो हमें श्रेष्ठ जो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने संविधान में जो लिखा हुआ है वो मिला ही नहीं दिया। आपने बाबा साहब की बात करी, लेकिन बाबा साहब ने मूर्ति पूजन को बिल्कुल अलग रखा था, लेकिन फिर भी आज वाल्मीकि समाज या बहुजन समाज के लोग मूर्ति पूजन के अंदर पूर्ण रूप से विश्वास करते हैं, इसके ऊपर क्या बोलेंगे आप? मैं बताना चाहता हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी भावनाओं को हम लोग सभी फॉलो कर रहे हैं। ये देखिए, वाल्मीकि समाज भी आश्रम में जो है वो ग्रंथ के साथ साथ संतों की भी पूजा करता है, ठीक है। तो जो आप बोल रहे हैं कि अपना मूर्ति पूजा के संबंध में, सो मैं बताना चाहता हूँ कि वाल्मीकि समाज अपने संत महापुरुषों की जो वहाँ पे अपने संत महापुरुषों की बात करी, रविदास मंदिर तुरंत तोड़ दिया जाता है जिसमें बहुजन समाज आता है, वाल्मीकि समाज भी आता है, लेकिन उसकी जो अगुवाई कर रहे लोग हैं वो भी आज धर्म और दोनों को अलग अलग बांटने लग रहे हैं, इसके ऊपर क्या कहेंगे? सो धर्म और बांटने, रविदासी धर्म अलग बना रहे हैं और धर्म को अलग बनाने लग रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें नहीं, मैं बताना चाहता हूँ ऐसी कोई बात नहीं है कि अपना जो बांटने वाली, क्योंकि वहाँ पे जहाँ मंदिर था, जहाँ मंदिर है, जहाँ मंदिर बनना चाहिए वहाँ क्यों नहीं बनाया जा रहा है? वो खुद सरकार चाहती है इस संघर्ष को तारपेट करना, वो वखरा वखरा करके हम लोगों को उत्साहित कर रही है कि अपना जो समाज है वो वक वक वंडियाँ पड़े इसमें। हमारे साथ उदय गिल जी भी हैं। उदय गिल जी, आप हमेशा बहुजनों की आवाज़ें उठाते रहते हैं और गटर पे जितनी भी मौतें होती हैं उसके ऊपर भी बहुत आंदोलन करते रहते हैं, तो ये कब तक सिलसिला चलता रहेगा? दिल्ली सरकार हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वो हमेशा बोलती है हमने अच्छी मशीनें मुहैया करा दी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आए दिन हर 10 दिन के अंदर कोई ना कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आती है कि गटर में फिर दोबारा मौत पाई जाती है, जिसके ऊपर वाल्मीकि समाज काफ़ी आक्रोश भी होता है, लेकिन फिर भी वाल्मीकि समाज गटर में घुस जाता है, उसका क्या कारण है? आप ये तो मानते हैं कि जो हमारा देश है ये जातिवादी देश है और जातियां हमने नहीं बनाई हैं, जो उस वक्त के मनुवादी लोग थे, ब्राह्मण समाज जो अपने आप को श्रेष्ठ मानता है, उन्होंने ही वर्ण व्यवस्था बनाकर और जातियों में इस धर्म को समाज को बांट दिया। आज जातियां हैं, अनुसूचित जातियां हैं, जो अब वक्त बदल रहा है, समय बदल रहा है, अब बदलाव आ रहा है। आज रविदासी हो, वाल्मीकि हो, रैदासी हो, इस तरह की जितनी भी हमारी जाति है, जाटव है, चमार है, ये जितने भी अब सब शेड्यूल कास्ट भाई हैं, सब एक मंच पर आ रहे हैं। हाँ, अब वो भेदभाव नहीं है। हाँ, परेशानियां हैं, दिक्कत है, लेकिन ये जो ब्राह्मण जाति है, ठाकुर जाति है, आपने उदय जी आपने बताया कि अब सब लोग एक मंच पे आ रहे हैं, लेकिन बाबा साहब ने कहा था जब तक रोटी बेटी का साथ नहीं होगा तब तक ये व्यवहार बदलेगा नहीं, तो ये कहीं ना कहीं मानसिक, जो आपने कई सारी जातियों के नाम लिए, तो वो जातियाँ जो है एक मनुवादी व्यवस्था के लोगों ने गठित कर दी और लोग इससे आज़ाद भी नहीं होना हो पा रहे हैं, इसके लिए क्या बोलेंगे कि रोटी बेटी का रिश्ता होना बहुत ज़रूरी है या नहीं है? अभी हेला समाज ने वाल्मीकि समाज में शादी की है, सुदर्शन समाज ने वाल्मीकि समाज में शादी की है, अब शुरुआत हो गई है, अब बदलाव आ गया है। हाँ, सिर्फ अवेयरनेस की जरूरत है, सही दिशा लीडर वही है जो अपने समाज को सही रास्ता दिखाए, ना कि उनके ऊपर अपना हक जताए। तो अवेयरनेस बहुत ज़्यादा अब आने लगी है मीडिया के माध्यम से, हाँ, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, टीवी चैनल के माध्यम से, समाज में हमारे जितने भी छोटे छोटे चैनल हैं ये भी अब समाज में जागरूकता के लिए एक बड़ा कदम उठ रहा है और सहयोग कर रहे हैं। आप थे मैसे उदय गिल, जो बहुत सारे लोग थे जो वाल्मीकि समाज से थे, जिन्होंने बताया कि अब तो रोटी बेटी का रिश्ता भी साथ में होने लगा है और बहुजन जिसे बोला जाता है और जिसे 85% बोला जाता है, वो सभी अब मजबूत ताकत से बनता हुआ नज़र आ रहा है, सिर्फ थोड़े से परिवर्तन और एकजुट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। धन्यवाद, आप लोगों ने हमारे से बात करी। थैंक यू सुरेंद्र जी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।